वेलकम टू टाइम ऑफिस। इस वीडियो में आज हम आपको टाइम ऑफिस डेस्कटॉप बेस्ड अटेंडेंस सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे। सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए www.etimeoffice.com साइट विजिट करो और उसमें डाउनलोड में जाना है। यहाँ पे दो अलग अलग सेटअप दिए हैं, एक विंडोज 7 के लिए एंड सेकेंड है विंडोज 8 एंड 10 के लिए। टाइम ऑफिस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए सेटअप पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट करोगे तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। डेस्कटॉप पर शॉर्टकट बनेगा, वहां से सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हो। यूजर नेम में स्मॉल में एडमिन एंड पासवर्ड में भी स्मॉल में एडमिन टाइप करना है। ओके कीजिए। लाइसेंस कॉन्फर्मेशन की विंडो ओपन होगी, उसमें यूनिक नंबर में मशीन के ऊपर सीरियल नंबर है वो टाइप कीजिए। क्रिएट रेफरेंस नंबर पे क्लिक कीजिए। लाइसेंस के लिए ऑनलाइन साइट ओपन कीजिए www.timeoffice.in। उसमें लाइसेंस में जाइए, सीरियल नंबर टाइप कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। कंपनी डिटेल फिल करना है। एंड रेफरेंस नंबर में सॉफ्टवेयर में जो रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ है वो कॉपी पेस्ट करना है। एंड सबमिट पे क्लिक कीजिए। लाइसेंस की जनरेट हो गई है, उसको कॉपी कर सॉफ्टवेयर में पेस्ट कर दीजिए। एंड रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। सॉफ्टवेयर में पहले सब मास्टर फिल करने पड़ेंगे। फर्स्ट है डिवाइस मास्टर। डिवाइस का सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए डिवाइस मास्टर फिल करना पड़ेगा। मशीन में कम्युनिकेशन के अंदर जो डिवाइस आईडी, आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर एंड मशीन का जो टाइप है वो सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आप मल्टीपल डिवाइस भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है शिफ्ट मास्टर। जी शिफ्ट है वो डेमो के लिए शिफ्ट दी है, उसको आप सिलेक्ट कर एडिट कर शिफ्ट नेम इन टाइम आउट टाइम चेंज कर सकते हो। एक्स शिफ्ट है वो डिफॉल्ट शिफ्ट है, इसलिए एक्स शिफ्ट को आपको डिलीट या एडिट नहीं करना है। आप ऐड पे क्लिक कर मल्टीपल शिफ्ट क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है एम्प्लॉय मास्टर। डेमो के लिए 1 नंबर पे एम्प्लॉय ऐड किया हुआ है, उसको सिलेक्ट कर एडिट कर एम्प्लॉय नाम चेंज कर सकते हो। न्यू एम्प्लॉय ऐड करने के लिए ऐड पे क्लिक कीजिए, एम्प्लॉय कोड टाइप कीजिए, एम्प्लॉय नेम टाइप कीजिए, कंपनी डिपार्टमेंट डेस्टिनेशन एंड कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। एनरोल आईडी में टाइम ऑफिस बायोमेट्रिक मशीन में जो आईडी पे आपने एम्प्लॉय का फेस फिंगर या कार्ड ऐड किया है वो आईडी टाइप कीजिए। स्टेटस में एक्टिव सिलेक्ट कीजिए, पंच रिक्वायर्ड में 1 या 2 सिलेक्ट कीजिए, वीकली ऑफ सिलेक्ट कीजिए एंड सेव कर दीजिए। रिपोर्ट देखने के लिए फर्स्ट स्टेप है डेटा डाउनलोड। लैन से डेटा लेने के लिए डेटा डाउनलोड फ्रॉम लैन यूएसबी केबल पर क्लिक कीजिए, डेट सिलेक्ट कर दीजिए एंड डेटा डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। ओके कर एग्जिट कर दीजिए। पेन ड्राइव से डेटा डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड फ्रॉम यूएसबी डिस्क में जाइए, सिलेक्ट डेटा फाइल कर पेन ड्राइव में जो फाइल लिया है वो सिलेक्ट कर दीजिए। मशीन का मॉडल नंबर सिलेक्ट कर दीजिए एंड प्रोसेस पर क्लिक कर दीजिए। ओके कर एग्जिट कर दीजिए। सेकेंड स्टेप है शिफ्ट एडिटर। जो मन का रिपोर्ट चाहिए वो मन सिलेक्ट कर जनरेट शिफ्ट पर क्लिक कीजिए, यस कर ओके कर एग्जिट कर दीजिए। थर्ड स्टेप है डेटा प्रोसेस। जो मन का रिपोर्ट चाहिए वो मन सिलेक्ट कर डेटा प्रोसेस पर क्लिक कर दीजिए, ओके कर क्लोज कर दीजिए। एंड लास्ट स्टेप है रिपोर्ट। रिपोर्ट में अलग अलग टाइप के रिपोर्ट दिए हैं, आपको जो रिपोर्ट चाहिए वो सिलेक्ट कर व्यू रिपोर्ट कर दीजिए।